आज यहाँ ट्रिम हॉस्पिटल का हम लोग इंस्पेक्शन में कर रहे हैं, क्योंकि एमएलए कॉटेज का जो अपार्टमेंट हम लोग कोविड हॉस्पिटल जो यहाँ में बैठने वाले पेशेंट को इंडिपेंडेंटली वहाँ अभी शिफ्ट कर दिया है। इसके बाद अभी यहाँ में ट्रिम्स हॉस्पिटल आज से यहाँ जो भी पेशेंट यहाँ आ सकेगा इंडिपेंडेंटली यहाँ फुल प्लेजेडली आज से ये ट्रिम्स चलेगा। इसी कारण से जब कोविड जब था उसी समय में कोई कोई यहाँ आने में रिलंकटेंट था, मजबूरी से आने से भी प्रॉब्लम था, तो उसमें बहुत दिल में बहुत कुछ सोचते थे। इसलिए आज से यहाँ ट्रिम्स में कुछ कोविड का कुछ रिलेटेड नहीं है, कोविड बीमार का कुछ ये नहीं है, तो यह से टोटली क्लियर है। इसी कारण से आज से जो भी पेशेंट यहाँ में आना है, जो नीडी पर्सन जो भी पेशेंट यहाँ आज से आ जाएगा। टोटल मंत्री साहब, टोटल कितना पेशेंट था और कौन कौन हॉस्पिटल में? आपने दो अस्पताल बनाया, एक एमएलए अपार्टमेंट क्रिटिकल के लिए और एक मॉडरेट के लिए डीसीएचसी। तो कितना पेशेंट था, कहाँ कहाँ आपने भेजा सर? अभी वहाँ एमएलए अपार्टमेंट में इतना पेशेंट अभी तो हम लोग का यहाँ में इतना एसिम्टोमेटिक वाला तो सीरियस वाले पेशेंट कमती है, वहाँ में अभी हम लोग सार होगा पोर है, और बाकी सब तो जितना भी हम लोग का कोविड जो पॉजिटिव पाए गए वो सब एसिम्टोमेटिक है, तो अरुणाचल में अभी तक ऐसा ठीक है। हम ये मान के चले कि अभी ट्रिम्स जो है कोविड फ्री हो गया, सैनिटाइजेशन एक्टिविटीज कम्प्लीट हो गया सर? हाँ, सैनिटाइजेशन ऑलरेडी हो गया है, कम्प्लीट हो गया। सैनिटाइजेशन होने के बाद ही आप सबको भी आज आने दिया है, हम भी आ रहा है, नहीं तो हम लोग यहाँ आज तो नहीं आएगा। सर टेस्टिंग चल रहा है सर, काफ़ी टेस्टिंग चल रहा है पूरा स्टेट में, कहीं कहीं में चल रहा है, स्टेटस क्या है अभी तक का? टेस्टिंग तो हम लोग टोटल 1,24,000 टेस्टिंग ऑलरेडी कर चुका है, तो इसमें हम लोग जो आर्टिफिशियल से भी कर रहा है, ट्रूनेट से भी कर रहा है, सब डिस्ट्रिक्ट में ट्रूनेट दिया है। आर्टिफिशियल स्थान में हम लोग अभी अंडर ये इस्टेब्लिशमेंट है पासीघाट में, और यहाँ नाहरलगुन में है, और जो रैपिड एंटीजन टेस्ट अभी हम लोग कर रहे हैं सारा डिस्ट्रिक्ट में, तो इसमें कई कई डिस्ट्रिक्ट से कोई कई वार्ड इलाके से कमती भी होगा, ऐसा भी होगा, तो फिर भी हम लोग एंटीजन जो रैपिड जो टेस्टिंग का किट भी हम लोग अभी मंगाया है, कोई कोई अभी शॉर्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे आदमी अभी ओपनली वॉलंटियरली चेक करना चाहता है, अपने से टेस्ट करना चाहता है, तो उसी कारण से कोई कोई जगह में अभी शॉर्ट भी हो सकता है। सर तेजू में एक इश्यू निकला है सर, ऑडियो क्लिपिंग हुआ, उसके बाद में डिप्टी कमिश्नर का एक ऑर्डर निकला है, तो परसों सीएम साहब बोला करप्शन फ्री टॉलरेट नहीं करेंगे, तो उसमें क्या स्टेटस है अभी? तेजू का जो नर्सिंग ऑफिसर्स का इंटरव्यू में जो वायरल जो वीडियो चल रहे उसको हम लोग बहुत पहले से हम लोग ऑर्डर दिया है, उसको एग्जामिनेशन करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए हम लोग ईटानगर से हम लोग दे चुका है। वो तेजू का तो डीसी काल ही बोला है, लेकिन हम लोग या सेक्रेटरी से पहले से हम लोग ऑर्डर दिया है उसको इंक्वायरी करने बोल के, क्योंकि सर अभी काफ़ी नर्सिंग का अभी भी अपॉइंटमेंट होना बचा हुआ है, आपने भी कहा था, सीएम साहब भी कहा था, अभी भी बच रहा और भी अपॉइंटमेंट है, तो ऐसा शुरुआत में ऐसा होगा तो बाद में क्या एक्सपेक्ट करेगा सर? एक्चुअली इस नर्सिंग ऑफिसर जो सिलेक्शन सिर्फ वो नहीं बोल के जो मेडिकल रिलेटेड का जो ऑफिसर्स होगा, स्टाफ होगा, जो पियोन चौकीदार को सर के बाकी जो क्लिनिकल काम में करेगा उसको हम लोग सपोर्ट नहीं देना है, उसको हम लोग बैक डोर एंट्री नहीं देना है, जो भी पास करके जो भी उनका क्वालिफिकेशन से हम लोग जाने देना चाहिए, उसमें हम लोग बैक डोर से कोई किसी को भी पुश अप नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं पब्लिक को भी अनुरोध करना चाहूँगा, क्योंकि इन लोग एन आर डी आई ऐसा वो ठीक नहीं है, तो स्पेशली जो मेडिकल में जो काम कर रहे हैं उसको हम लोग जो डिजर्व है उसको हम लोग करने देना चाहिए, ये है, और उसको हम लोग करने नहीं देना है आगे से। सर सैनिटाइजेशन के बाद आप लोगों ने आज विजिट किया सर, तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ नए इंस्ट्रूमेंट्स भी आया है सर, तो आप बता सकें क्या क्या फैसिलिटीज हमारे ट्रिम्स ने इंडक्ट किया सर, जो काफ़ी एक अच्छा बात भी है सर डेवलपमेंट काम के स्टेट हेल्थ सेक्टर। यह ट्रिम्स में तो जितना जो नया नया इक्विपमेंट आया है उसको तो हम देख के तो अच्छा लगा है, जो रेडियोलॉजिस्ट का भी कार्डियोलॉजिस्ट का भी बहुत सुविधा है, तो उससे अब टेक्निकल नो हाउ मेरा डायरेक्टर टीम्स है, ही विल एक्सप्लेन बेटर देन मी, तो आप इसी से जान लीजिए। एक सेकंड लिबांग साहब, सबसे बड़ा कमी ये हॉस्पिटल का जहां मुझे तक जानकारी है मैन पावर की, जब तक आपको मैन पावर नहीं देंगे, इट इज़ दी मैन बिहाइंड द मशीन, मशीन कुछ नहीं कर पा सकेगा जो मैन पावर टेक्निकली क्वालिफाइड मैन पावर नहीं देंगे, उसके ऊपर क्या कदम लेने जा रहा है आपकी सरकार? मैन पावर के लिए तो हम लोग डॉक्टर हो जो स्पेशलिस्ट हो,
जो जितना भी टेक्निकल जो नो हाउ पर्सन हो उसको हम लोग कहीं से भी लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, फिर भी अरुणाचल प्रदेश में आदमी आने के लिए भी इतना नहीं सोच रहे, फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं मतलब बाहर से भी आ जाए, और खास करके अपने यहाँ का लोकल लड़का लोग मतलब क्वालिफाइड वाला होने से आने से ठीक है, लेकिन हमारे में बहुत कमियाँ है। फिर भी हम लोग इतना शॉर्टेज होने का बावजूद भी हमारा अभी ट्रिम्स एक अच्छा खासा नाम वाला एक इंस्टीट्यूशन अभी उभर रहा है, तो हमारा डायरेक्टर का जो ये से रूल का अंडर में, तो हम लोग इस बीच में मैं गवर्नमेंट को भी जो चीफ मिनिस्टर को भी अपने कैबिनेट कॉलिग को भी बोल रहे हम लोग जो भी करना है जो हेल्थ को अभी हमको यहाँ जो पेंडेमिक 19 कोविड का कारण से बहुत कुछ जानने मिल गया, लेसन मिल गया, तो इसलिए हम लोग अभी हेल्थ का जो भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग प्रायोरिटी रखना है, तो इसी कारण से हम लोग जितना भी ह्यूमन रिसोर्स जो जरूरी है उसको भी हम लोग डिस्कशन करेगा ट्रिम्स का जो क्या क्या डिपार्टमेंट में क्या जरूरी है और क्या क्या हम लोग और जरूरी होगा नीड बेस का मुताबिक हम लोग बात करना है। आप लोग सब जानते हैं कि ट्रिम्स ये जो हम लोग का स्टेट का एक ही प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है और ये मेडिकल कॉलेज हिसाब से अभी सिर्फ 3 साल हुए हैं, सो एक्चुअली बोलने से हम लोग बहुत अभी नादान है और अभी हम लोग का एज ज़्यादा नहीं हुआ है, फिर भी विद इन दिस 3 ईयर्स ये ट्रिम्स ने बहुत कोशिश किया कि हम लोग इसमें फैसिलिटी लाए जो हम लोग का स्टेट का जो पेशेंट्स है वो बाहर जाने ना पड़े, हम लोग को स्पेशलिस्ट आए, एक्सपर्ट लोग आए, ये इसमें हम लोगों ने कोशिश किया एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उन्होंने अपना तरफ से भी बहुत कोशिश करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट से फ़ंड आया था उसके ऊपर में अपना फ़ंड दे के हम लोग को बहुत मदद किया है। एंड अभी फ़िलहाल आप बताएंगे तो हम लोग अभी जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये चारों ओर देख रहे हैं ये अभी 300 to 350 बेड का अभी हम लोग का पूरा फुल बेड्स रेडी है, उसमें हमारा NICU है, SICU है, उसके बाद मेन ICU है, उसके बाद ऑपरेशन थिएटर तो आप जानते हैं वो चलते हैं, और हम लोग का डायलिसिस फैसिलिटी है, और हम लोग का लेबर रूम का जो अभी सिचुएशन है वो बहुत अच्छा है, ऐसा करके सब फैसिलिटी यहाँ पे हम लोग रखा हुआ है। टॉकिंग अबाउट इक्विपमेंट में हम लोगों ने ये तय किया है कि जब भी हम लोग कोई इक्विपमेंट खरीदे इस इंस्टीट्यूशन के लिए वो जो है एटलीस्ट ये सब भी फ्यूचर प्रूफ होना पड़ेगा, मीनिंग फ्यूचर प्रूफ का मतलब जो है अभी आज खरीदेगा तो फ्यूचर कम से कम 10, 15 या 20 साल तक ये वैलिड होना है। तो जैसे कि आप मान लो एक सीटी स्कैन खरीदा, MRI खरीदा, आप आज का चालू मशीन को खरीदेंगे तो 2-3 साल के बाद उसको अपग्रेड करना पड़ता है या रिप्लेस करना पड़ता है। तो मेरा ये गुजारिश गवर्नमेंट से है कि हम लोग अगर इक्विपमेंट खरीदे, जैसे कि आप मान लो MRI का दाम जो है 10 करोड़ से लेकर 20 करोड़ के तक है, तो हम लोग कटिंग एज वाला अगर हम लेना चाहेंगे तो 18 या 19 करोड़ लग जाता है, मगर मेरा ये मानना है कि ऐसे इक्विपमेंट हम बार बार नहीं खरीदेंगे, एक ही बारी खरीदा जा सकता है, जैसे कि 1 करोड़ वाला या 50 लाख वाला सामान तो कभी भी हम लोग ये करके यहाँ वहाँ कर खरीद सकते हैं, मगर ऐसा जो है मेन इक्विपमेंट जो है हम लोग शुरू में ही अच्छा वाला खरीदना चाहिए। सो ऐसा करके हम लोग गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसी मुताबिक हम लोग के पास अभी CT स्कैन जो मशीन है आपको मालूम होगा ये 256 स्लाइस का जिस मशीन है वो इंडिया में इस किस्म का फर्स्ट आया था, तो अभी 2 साल पहले आया था, और इस मशीन होने के कारण से हम लोग सिर्फ पेट का आपका चेस्ट का और हेड का सिर्फ हम लोग नहीं देखते, हम लोग हार्ट का फंक्शन को भी देख सकते हैं, हार्ट का फंक्शन हार्ट में जैसे कि खून कैसे जा रहा है उसको भी देख सकते हैं, और हम लोग के पास कार्डियोलॉजिस्ट है और एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट है वो मिलके जो है कोई कोई हार्ट का प्रॉब्लम जो है CT स्कैन में डायग्नोस कर लेते हैं, जो हम लोग कैथेटराइज़ करके गुवाहाटी में भेजना पड़ रहा था वो भी नहीं हो रहा है। उसी मुताबिक MRI को भी हम लोग सोच रहे थे कि बेस्ट क्वालिटी का MRI आए ताकि उसमें जो है हम लोग फंक्शनल MRI भी हम लोग कर सके, और अभी हम लोग को PG रेडियोलॉजी में PG कोर्स शुरू करना है तो उसके लिए सिर्फ MRI के लिए हम रुका हुआ है, बिकॉज वी डू नॉट हैव MRI, तो अभी हम लोग PG कोर्स इस साल नहीं शुरू कर सकेंगे, तो हमको लगता है कि ये परचेज भी हो रहा है MRI का, तो जब तक आएंगे तो PG कोर्स भी होगा। उसके अलावा जितना भी इक्विपमेंट हम लोग का यहाँ पे है जैसे मैंने बताया इट शुड बी ऑल फ्यूचर प्रूफ, हम लोग का ये जो कोई भी इक्विपमेंट हम लोग खरीदेंगे वो जो है फ्यूचर के लिए भी यूज़ हो, तो आप ऑपरेशन थिएटर में जाए उसमें हर किस्म का इक्विपमेंट है, अभी जितना भी लेप्रोस्कोपिक इक्विपमेंट है वो हाई एंड वाला है हम लोग का, और उसमें जो कोटरी मशीन है या आप बोलो एनेस्थीसिया स्टेशंस है, दिस आर ऑल फ्यूचर प्रूफ है। और अभी हम लोग का हालांकि मेन बिल्डिंग जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, ब्लॉक 2 कंप्लीट नहीं हुआ है, सो ब्लॉक 2 जब कंप्लीट होगा
ब्लॉक वन ब्लॉक टू मिला के हम लोग का जो 750 बेड्स हम लोग एकोमोडेट कर सकेंगे, उसमें कम से कम 25 to 30 ICU बेड्स होगा, उसमें ऑपरेशन थिएटर होगा, 12 ऑपरेशन थिएटर्स होगा, उसमें अलग सा हम लोग का जो है ट्रोमा एंड इमरजेंसी का अलग सा बड़ा फैसिलिटी होगा, उसमें ट्रोमा ये इमरजेंसी वार्ड में ब्लॉक में अपना सा ही CT स्कैन रहेगा, अपने वहाँ OT रहेगा, अपने वहाँ में जैसा कि एक स्पेशल हॉस्पिटल जैसा, जैसे इस किस्म का जब कोविड जैसा कोई पेंडेमिक आता है, कोई ऐसा सिचुएशन आता है, उस जगह को जो इमीडिएटली हम लोग कॉर्डन ऑफ करके हम लोग आइसोलेशन करा सकते, उस किस्म से हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो अभी बाकी जैसे कि आपने NICU में गया अभी, तो बच्चा को जो है अभी हमारे पास एक KG वाला बच्चा जो 33 वीक्स में जन्म हुआ है उसका बचा के रखा हुआ है। पहले ज़माने में ऐसा बच्चा को तो जब जन्म होते ही माँ बाप छोड़ देते, दूध भी नहीं पिला सकते, उसका स्किन भी इतना पतला होता है, चूहा जैसा दिखाई देता है, तो वैसा का बचा के रखा हुआ है। उसमें अभी CPAP करके जो हम लोग का नॉन इन्वेसिव बच्चा को हवा देने वाला मशीन वगैरह भी आया हुआ है, फोटोथेरेपी मशीन से LED फोटोथेरेपी मशीन है, वार्मर है, और हमारे पास प्रोफेसर्स है, सब एक्सपर्ट लोग हैं। तो अभी मेन पावर उसमें है और इक्विपमेंट है, मिला के जो है अच्छा सर्विस दे रहे हैं। और जैसे अभी लेबर रूम में जाओ तो हर जगह में हम लोग के पास अल्ट्रासाउंड देखा हुआ, हर जगह में अल्ट्रासाउंड बिछा हुआ है। आप ICU में जाओ, लेबर रूम में जाओ, तो अल्ट्रासाउंड के लिए पेशेंट को यहाँ वहाँ करने का जरूरत नहीं है, ऑन द स्पॉट, बिकॉज अल्ट्रासाउंड ऐसा चीज़ है कि उससे इमीडिएटली आप बहुत कुछ आप बीमारी के बारे में, तकलीफ डिजीज के बारे में पता कर सकते हैं। तो हर जगह में अभी अल्ट्रासाउंड होगा, और अल्ट्रासाउंड हर डॉक्टर को करना आना पड़ेगा, हम ट्रेनिंग भी हम लोग दे रहे हैं। तो ऐसा करके हम लोग का अभी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। जब पूरा हॉस्पिटल बिल्डिंग दोनों बिल्डिंग पूरा हो जाएगा, हमको तो लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में ये एक फर्स्ट नहीं होने से भी इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट, हम लोग ये सोच रहे हैं। अभी जैसे हम लोग बताए इसमें अभी मेन फिलहाल हम लोग को एक मेन पावर का प्रॉब्लम है। मेन पावर अब कहे तो ट्रिम्स में नंबर वाइज मेन पावर का उतना प्रॉब्लम नहीं है, स्पेशली डॉक्टर के साइड में, नर्स के बारे में बाद बताऊँगा। मगर अभी उसमें जो है क्वालिफाइड आदमी, जैसे कि हम लोग को ज़्यादा आदमी एनेस्थेसियोलॉजिस्ट चाहिए, वो हम लोग को नहीं मिल रहा एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, और अभी मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट कोशिश कर रहे हैं कि अभी APPSC से तरफ से अभी रिक्रूटमेंट होगा, मगर उसमें कितना लोग आ पाएंगे वो देखना होगा। और हम लोग भी अभी हमको एक प्रोफेसर चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर चाहिए एनेस्थेसियोलॉजी में, वो भी नहीं बाहर में भी स्कार्सिटी है, वो एक प्रॉब्लम है। और नर्सेस का प्रॉब्लम तो हम लोग का यहाँ में नर्सेस नंबर वाइज तो काफ़ी लोग अभी भी है जो पहले हॉस्पिटल में जनरल हॉस्पिटल से होते हुए आया है, वो लोग भी है, मगर कोई कोई लोग काफ़ी एजेड हो चुके हैं एंड दे आर नॉट वेल ट्रेन, और ट्रेन अभी इतना ओल्ड हो गया कि ट्रेन भी नहीं कर पाते। तो हम लोग को नया नर्सेस चाहिए, और इसी लाइन में हमको अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि 50 नर्सेस अभी NHM का तरफ से रिक्रूटमेंट करेंगे। सो 18 तारीख को उनका रिटर्न टेस्ट है, हमको लगता है कि ये 30 तारीख से पहले हमको 50 नर्स मिल जाएंगे। जब 50 नर्स मिल जाएंगे, हम उनको इनिशियल ट्रेनिंग करके, तब शायद हमारा यहाँ में मेन पावर का भी उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, एंड डेफिनेटली देर विल बी इम्प्रूवमेंट इन द सर्विस। तो इसमें मैंने आपको बताया, और अभी हमारा इक्विपमेंट का तरफ से थोड़ा सा एक कमियाँ इसमें लेबोरेटरी सेक्शन में है, मैं अपना कमियाँ को बता देता हूँ, इंस्टेड ऑफ टेलिंग एवरीथिंग पॉजिटिव, तो निगेटिव साइड ये है कि हम लोग का लेबोरेटरी साइड में थोड़ा सा कमियाँ हैं उसमें, क्योंकि हर आजकल का जो हाई एंड जो टेस्ट वगैरह होता है उसका अलग अलग इक्विपमेंट होता है, फिर इक्विपमेंट को खरीदना भी एक प्रॉब्लम है, फिर उसका एक्सपर्ट आदमी लगाना भी प्रॉब्लम है। तो ये दोनों में अभी हम लोग थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये अभी लास्ट छः सात महीना में हम लोग सामान तो ऑर्डर दिया, आते नहीं है, फिर आने से भी इंस्टॉल करने के लिए हम लोग का टेक्नीशियन नहीं आ पाते, ये प्रॉब्लम हमें जुझा हुआ है। तो ये भी शायद आस्ते से सॉल्व हो जाएगा। एंड इन द लास्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ट्रिम्स ने हम लोग ने एक हम लोग का ऑफसेट हॉस्पिटल जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल जो MLA कोर्ट पार्टनर किया है, उसके लिए वी आर वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो पब्लिक एंड मीडिया फॉर सपोर्टिंग अस। आप लोग के कारण से हम लोग वहाँ मिला है, एंड अभी पूरा हम लोग का यहाँ पर जितना भी कोविड पेशेंट वहाँ शिफ्ट हो गया, इट इज़ टोटली नॉन कोविड हॉस्पिटल। तो अभी अगेन मेन पावर का तरफ प्रॉब्लम है, क्योंकि दो जगह में हमको मेन पावर तैनात करने पड़ रहे हैं। वहाँ में हो सकता है 10 हो 5 हो पेशेंट होगा, मगर 10-5 पेशेंट के लिए भी हम लोग को फुल टीम रखना पड़ता है, ये अभी प्रॉब्लम है। तो ये जरा सा हम लोग स्ट्रगल करें, बट मेरा टीम है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद ऑल द टीम्स आर वर्किंग विद मी इन ट्रिम्स, कि दे आर वेरी एंथुसियास्टिक, उनके बिना तो अभी आप जो देख रहे हैं सब कुछ ऐसा नहीं हो पाता। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू माई कॉलिग्स एंड माई फ्रेंड्स, एंड आप लोग का तरफ से भी एनकरेजमेंट दीजिए हम लोग को, और कहीं भी कोई आपको लगता है कि नहीं इसमें ऐसा होने से अच्छा होता है, कोई सजेशंस, पॉजिटिव सजेशन आप देंगे जरूर बताइएगा, और कोई मिस्टेक किया हो, कोई रॉन्ग किया हो, प्लीज़ टेल अस, वी विल ऑलवेज ट्राई टू करेक्ट आवर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच। लास्ट एक मैसेज चाहेगा आपसे, ट्रिम्स को एक
साफ सुथरा रखने के लिए सर, चाहिए सर। अच्छा मैसेज आज आप देखा होगा, आज जो है आप चारों तरफ देखिए, एक भी एक पत्ता जो वो बोतल नहीं मिलेगा, वो पेपर नहीं मिलेगा, कोई पान थूका हुआ नहीं होगा, वार्ड में गया होगा आपका जो इस तरह के इतना साफ है, चिका चिक हो रहा है, वार्ड में गया होगा। सो ये हम लोग कर सकते हैं, हम कर भी रहे हैं, मगर वी नीड कोऑपरेशन फ्रॉम द पब्लिक। ये आपका तरफ से भी मैसेज प्लीज़ कन्वे कीजिएगा, अगर पब्लिक हम लोग को कोऑपरेट करे हम लोग हमेशा ऐसा रख सकेंगे। यानी आप जो देखा है कि जो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल से अब कम नहीं है, आज आपने खुद देखा होगा उस कम नहीं है। तो माई मैसेज इज दैट टू द पब्लिक, प्लीज़ हेल्प अस टू कीप योर हॉस्पिटल क्लीन।